हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2021 के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, इसका एडमिट कार्ड कभी आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी होगा, इसका रिजल्ट कभी आएगा, काउंसलिंग राउंड कभी स्टार्ट होगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर लेना है, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। IAS पेपर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है IASpaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आप IAS पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2021 HNBU MU एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। डेट्स, एलिजिबिलिटी और पैटर्न, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिगार्डिंग डेट, एलिजिबिलिटी और पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट सून। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे फिल कर लेना है। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो, आप कौन सी स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी आपका सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कोर्स को आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स के बारे में आप समझना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक मैनेजमेंट बीबीए एमबीए डिजिटल लर्निंग एमबीए बीसीए एमसीए कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग आर्किटेक्चर मीडिया फिल्म आर्कन लॉ साइंस बीएससी एमएससी, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, आपको जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून, एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कुछ पिछले साल के प्रोफेसर हैं, यहाँ पे आप पिछले साल के जो भी हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी हैं वो चेक कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, सभी चीज़ आप 2020 के चेक कर सकते हैं। आपको 2021 का चेक करना है तो यहाँ पे जाके आप क्लिक ईयर पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी आया उसे, यहाँ पे प्रोविजनल ईयर जो पिछले साल का है वो दिखा रहा है आपको 2022 का, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद, यहाँ पे एग्ज़ाम के उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के कुछ हाईलाइट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम नेम क्या है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम टाइप क्या है, नर्सिंग का एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्टेट लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, कोर्सेस ऑफर्ड, कौन ऑफर्ड कर रहा है इसे, नर्सिंग ऑफर्ड कर रहा है, कंडक्टिंग बॉडी इसे कौन कंडक्ट कर रहा है, होम्योपैथी नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड इसे कंडक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आपको एडमिशन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम मोड इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होएगा, आपको पेन पेपर बेसिस पे रहेगा आपका एग्ज़ाम। डेट अभी टू बी अनाउंस, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ इसका एग्ज़ाम, किस डेट को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट कुछ हाईलाइट्स होते हैं, इवेंट जो भी होते हैं उसके हाईलाइट्स आपको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है डेट्स के साथ आपको मिल जाएगा। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कभी स्टार्ट होगा आपको दिया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कभी होगा, एडमिट कार्ड कभी इसका रिलीज होगा, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कभी होगा, आंसर की कभी आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ आंसर की कभी आएगा, रिजल्ट आपका कभी आएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का स्टार्ट कभी होगा यहाँ पे आपको दिया हुआ, अलॉटमेंट रिजल्ट कभी आएगा, डेटा प्रोसेसिंग कभी आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कभी आएगा, ऑनलाइन मॉकअप राउंड कभी स्टार्ट होगा आपका, डिस्प्ले द सीट मैक्सिमम कभी होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन मॉकअप रजिस्ट्रेशन 500 यहाँ पे दिया हुआ, डॉक्यूमेंट अपलोड द चॉइस फिलिंग द ऑल इंटरेस्टेड कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको दिया हुआ, लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग द अलॉटमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे दिया हुआ। सभी इवेंट आपको मिल जाएंगे यहीं पे, यहीं से आपको डेट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसी पेज पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा आपका, एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ होगा अगस्त में रिलीज़ होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे कैसे फिल कर लेना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड रहेगा आपका, एप्लीकेशन फॉर्म जो है
तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको मैं नीचे बताऊंगा, आपको वो चेक कर लेना। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको चेक कर लेना है आप उसके एलिजिबल हैं कि नहीं है। आपको फॉर्म यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पे जाके आपको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। जैसे आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एजुकेशनल डिटेल वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपने टेंथ कहाँ से दिया था, ट्वेल्थ कहाँ से दिया था, टेंथ का बोर्ड क्या है आपका, ट्वेल्थ का बोर्ड क्या था, टेंथ का मार्कशीट कितना था, मार्क्स क्या था आपका, ट्वेल्थ का मार्कशीट कितना था, आपको कोर्स रिलेटेड डिटेल रहेगा। फिर पेरेंट्स और कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा आपका, अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको पेरेंट्स का नाम क्या, आपका फादर का नाम क्या था, आपका मदर का नाम आपको डाल देना है वहाँ पे, आपका फादर का ईमेल आईडी, मदर का ईमेल आईडी, आपके फादर पापा क्या करते हैं, आपके तो सारी चीज़ें आपको डिटेल फिल कर लेने का, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो फिल कर लेना है। उसके बाद प्रोफेशनल यहाँ पे आपको सम डिटेल, आपको पर्सनल डिटेल, सम एडिशनल डिटेल आपको देगा, वो फिल कर लेना। उसके बाद आपको नीड टू अपलोड, आपको अपलोड करना रहेगा अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, बिफोर ड्यू डेट जो होता है एप्लीकेशन फ़ी का, उससे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी भर देना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिखाने दिया हुआ। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको जनरल कैटेगरी वाले को है 1500, मतलब 1500 आपको है जनरल कैटेगरी। हाउ एवर द एप्लीकेशन 1000 rupees फॉर रिजर्व कैटेगरी RC ST SC और ST कास्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ। रिजर्व कैटेगरी जो है SC कास्ट के लिए उसको 1000 rupees है आपका जो नोट पेमेंट में भी एप्लीकेशन फ़ी। ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। आपको एप्लीकेशन जो है अदर मोड, जो भी अदर मोड है आपको, मतलब कैश वो अलाउड नहीं करेगा, DD मोड आपको अलाउड नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। किसके थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको एप्लीकेशन में ही बोला था, आपको विजिट कर लेना है एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वांट टू एडमिशन द BSc नर्सिंग में आपको अप्लाई करना है, तो आपको कंप्लीट रहना चाहिए HSC, आपका 12th जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए। HSC आपका एग्ज़ाम, क्वालिफाइड मार्क्स, आपका क्वालिफाइड मार्क्स कितना रहना, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्वालिफाइड मार्क्स इसके आपका 50% के मार्क्स वो रहना चाहिए, 50% से ऊपर रहेगा आपका नोट लेस देन, आपका 50% के नीचे मार्क्स नहीं रहना चाहिए आपका जो भी। उसके बाद एग्ज़ाम पेपर, आपको पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पेपर पैटर्न आपको मोड ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है, ऑफलाइन मोड रहेगा, PPT रहेगा, सर्वल क्वेश्चन 100 question का रहेगा, टोटल मार्क्स कितने का रहेगा 100 marks का आपका पेपर रहेगा, ड्यूरेशन टाइम कितना रहेगा, सेम टाइम 2 hours दिया हुआ, मार्केटिंग स्किल कितना, मार्किंग स्किल क्या, 1 mark विल बी अवार्ड द ईच करेक्ट आंसर, आपको 1 marks मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पर। उत्तराखंड BSc नर्सिंग एग्जाम सिलेबस, आपको सिलेबस यहाँ पर, सिलेबस जानने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस तो आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट सिलेबस के। आपको एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा, आप अगर एडमिट कार्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एप्लीकेशन फ़ी बिफोर ड्यू डेट पहले आप अपना एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड रिलीज करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा एडमिट कार्ड में। एप्लीकेशन नीड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। मेल एंड टेक सम कॉपीज, आपको कॉपी चेक कर लेना, आपको मेल आएगा उसका कॉपी चेक करना, आपको सम कॉपी निकाल उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड के बिना आपको हॉल टिकट, मतलब एडमिट एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम टिकट, एडमिट कार्ड जो है वो हॉल टिकट होता है, आपको डाउनलोड करके उसका रख लेना, आपको एग्ज़ाम के लिए आपको काम देगा। ये इंपॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट होता है तो आपको अच्छी तरीके से रख लेना। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका ऑनलाइन आएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, लॉगिन के थ्रू आप आंसर की नीड टू डाउनलोड द रिजल्ट, रिजल्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफिशियल अथराइज जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चलेगा। रिजल्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट बेस चालू होगा। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका काउंसलिंग बेसिस रहेगा, मार्क्स स्कोर एंड द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा। काउंसलिंग राउंड आपको यहाँ पे दिया, एप्लीकेशन नीड टू अपेयर काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के, वो अपने इटसेल्फ लेके आपको यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा। डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट बेसिस पे आपका काउंसलिंग राउंड, एडमिशन काउंसलिंग राउंड बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे काउंसलिंग राउंड होगा। डिटेल काउंसलिंग विल बी अपलोड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल आपका होएगा काउंसलिंग राउंड का। आपको लोकल न्यूज़पेपर लोकेलिटी से पता चल जाएगा इसका काउंसलिंग राउंड, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। स्पीच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू है। यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी जो बड़े यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी UPES, UGP, UPES, PG, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन चालू है, क्योंकि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है फॉर ऑल कोर्सेज के लिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। यहाँ पे दिया हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, UPES, PG यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।